नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी को पता हो ही गया होगा कि ब्रिटेन की कमान को एक भारतीय अब संभालेगा, यानी कि दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर अब भारत के ऋषि सुनक संभालेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से हमारा पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तो बिलबिलाने लगा, क्योंकि दोस्तों अब अगर ब्रिटेन की राजगद्दी को एक हिंदू संभालेगा तो पाकिस्तान को तो जलन होगी ही। लेकिन इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि फ्रांस को भी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा। देखिए दोस्तों, जैसे ही ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से पाकिस्तान से काफी सारे बयान सुनने को आए। सबसे पहला बयान तो ये सुनने में आया कि ऋषि सुनक जो है वो पाकिस्तानी निवासी हैं। आपको हंसी जरूर आएगी इस बात को लेके, लेकिन अभी आप पूरी बात सुनिए कैसे उन्होंने ये कह दिया कि ऋषि सुनक पाकिस्तानी निवासी हैं। देखिए, जो ऋषि सुनक के दादा और दादी थे वो ब्रिटिश शासन में भारत में निवास करते थे। अब ऐसे में दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान ने ये कह दिया कि उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इस वजह से ऋषि सुनक भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी निवासी हैं। अच्छा, पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकता है, जब वो पाव पाव किलोग्राम के परमाणु बम बना सकता है तो वो ऋषि सुनक जैसे टैलेंटेड हिंदू को भी पैदा कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं कि आखिर फ्रांस क्यों भारत से और ब्रिटेन से नाराज हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि भारत इस समय इंजन की डील को लेकर बहुत ही तेज है। फाइटर जेट के जो इंजन है वो भारत को बहुत ही जल्दी चाहिए, और इस वजह से भारत फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉल्स रॉयल कंपनी से बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ऋषि सुनक एक भारतीय हैं और उन्होंने भारत का पक्ष ले लिया, तो उम्मीदें ये ज्यादा बन रही हैं कि भारत यूके की रॉल्स रॉयल कंपनी से अपनी इंजन डील कर ले। और अभी अगर देखा जाएगा तो पूरे भारत में ऋषि सुनक का समर्थन करने के लिए हर एक बंदा बाहर निकल के आ रहा है, तो उम्मीदें इस चीज की ज्यादा की जा सकती हैं कि भारत रॉल्स रॉयल से इंजन की डील कर सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर की ये डील है। अगर इतनी बड़ी डील फ्रांस के हाथ से गई तो फ्रांस काफी ज्यादा परेशान हो सकता है और भारत से नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारत फ्रांस से ऐसे डील करेगा या फिर यूके से ऐसे डील करेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी दीपावली कैसी गई नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। अच्छी गई होंगी तो अच्छी का, और अगर बुरी गई होंगी तो बुरी का। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।